5000 में बछड़ी दे देंगे। 5000 में बछड़ी दे देंगे जी। बछड़ी तो 5000 हुई जी, फिर 5000 में बछड़ी दे दोगे? दे देंगे जी, कोई साथ में लेगा तो। अच्छा, गाय अगर लेगा तो उसको बछड़ी 5000 में दे देंगे। 5000 में दे देंगे। ये वाली गाय कोई लेगा तो? हाँ जी। एड्रेस का बहुत प्यारा है, बस चेक कीजिए। चेक करके मैं दिखा रहा हूँ सभी कुछ, जो भी करेक्टर्स है वो आप चेक कीजिए। साहिवाल साहिवाल नस्ल की गायें दिखाई आज भाई साहब ने। बहुत से भाई बोल देते हैं कि इतने में तो भैंस ही आ जाएगी। जो भैंस ले रहे हैं फिर वो गाय के लिए खोलना। भाई साहब मैं ये कह रहा हूँ जी, ऐसी कीमतों में ढूंढेंगे तो इस कीमत में तो मेरे को लग रहा है 10-1 बकरियां भी आ जाएगी। बिल्कुल आ जाएगी सर जी। तो ये भैंस का बकरी से, बकरी का गाय से, ये कंपैरिजन बेवकूफी वाला है। इतनी इतनी कीमत में तो भैंस आ जाती है। ये बेवकूफी वाला कंपैरिजन है। जिसको भैंस लेनी हो भैंस लेगा, गाय बिक रही है वो गाय ले रहे हैं। हाँ, भैंस नहीं ले सकते, भैंस नहीं ले सकते। तो किसी की गाय पसंद है, किसी की भैंस पसंद है। आपको भैंस पसंद है, भैंस लो। भैंस को गाय के साथ कंपेयर मत करो। बिल्कुल जी, गाय की कोई कीमत। और अगर भैंस और गाय को एक समझते हो तो बकरी ले लो जी, भैंस मत लो। बिल्कुल जी, बिल्कुल। वो और सस्ती मिलेगी। हाँ जी, हाँ जी, और ज्यादा मिल जाएगी। आज गर्मी ज्यादा है। सोनू भाई साहब, राम राम जी। राम राम जी भाई साहब, जय जय गौ माता, जय गौ माता जी। कितनी गाय दिखाओगे जी आज? 4 गाय, 1 बछड़ी है जी। 4 गाय है और 1 बछड़ी है। हाँ जी, ठीक है जी। ये जो गाय है इन सभी के बारे में पूरी डिटेल ले लेते हैं आपसे। जी सर जी। सबसे पहले आप अपनी डिटेल बताइए जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं, एड्रेस बताइए। गाँव बालासरा जी। हाँ। जिला सिरसा। हाँ, हरियाणा। ठीक है जी। कॉन्टैक्ट नंबर और दे दो जी। 9671312940। ठीक है जी भाई साहब। हाँ जी। कौन सी नस्ल की गाय है जी आज? राठी है, एक राठी है, 4 साहिवाल है जी। 1 राठी और 4 साहिवाल है। हाँ जी। तो ऑर्डर बहुत बड़े बड़े हैं जी इन गायों के। जी सर जी। आज जो गायें देख रहे हैं इनमें बड़े ऑर्डर वाली गायें हैं। हाँ जी। और ये पैरों में रस्सी बंधी हुई है तो ब्यांत भी उम्मीद कर रहे हैं। पहला ही है जी। पहला ही है। हाँ। तो पहले ब्यांत वाली है दो, तो ये बड़े बड़े ऑर्डर वाली। हाँ जी, ठीक है जी। कंप्लीट डिटेल दीजिएगा जी। सबसे पहले जो सबसे कम कीमत वाली गाय है उसी से शुरू करेंगे, क्योंकि बायर काफी डिमांड करते हैं जी, कम कीमत की गाय दिखाइए। जी सर जी। तो सबसे पहले उन्हीं की रिक्वेस्ट पूरी कर देते हैं जी। हाँ जी, हाँ जी, जरूर। फिर जो ये बड़ी बड़ी गायें हैं। हाँ जी, इनके बारे में भी डिटेल लेंगे जी। सबसे कम कीमत वाली गाय की डिटेल दे दो जी सबसे पहले। ये दूसरी बार बच्चा दिया, ये सबसे कम कीमत वाली है। हाँ, सबसे कम है। और एक बछड़ी भी है जी आपके पास? हाँ जी। वो भी अलग से दोगे? हाँ, वो नहीं, इसके साथ माँ बेटी दोनों है। अच्छा, माँ बेटी दोनों है। हाँ, दोनों है। दोनों एक साथ ही दोगे? एक साथ देंगे। और अलग अलग ले तो दे दोगी जी बछड़ी? हाँ, दे देंगे जी, बिल्कुल। तो बछड़ी की कीमत क्या रखोगे? बछड़ी की 40,000 रुपये जी। 40,000 रुपये। हाँ जी। और ये गाय किस कीमत की है ये भी जान लेते हैं। ये 42,000 की जी। ये 42,000 रुपये की है। मतलब सबसे कम कीमत आज 40,000 है। हाँ जी, 40,000 रुपये बछड़ी। बछड़ी और 42,000 में गाय दे दोगे? 42,000 में गाय दे देंगे जी। 40 में बछड़ी दोगे, 42 में गाय दोगे? क्वालिटी का फर्क है सर जी। तो फिर जी बछड़ी क्यों ले, कोई गाय क्यों नहीं ले? बिल्कुल जी, ठीक है। नॉलेज है वो तो बछड़ी लेगा। अच्छा, जिसको परख है वो बछड़ी लेगा। बछड़ी लेगा। गाय की डिटेल दे दो जी सबसे पहले। ये दूसरी बार बच्चा दिया जी इसने। और नीचे बछड़ा है, मेल काफ है। हाँ, कल ही बच्चा दिया। कितने दिन की बेई होगी? कल की। तो 2 दिन की बेई भी होगी। हाँ, 2 दिन की होगी आज। खीस निकाल लिया होगा जी? खीस 9-10 लीटर है जी। अब 9-10 लीटर दोनों टाइम का मिला के, 4.5 लीटर एक टाइम का। हाँ जी। और दूध कितना क्षमता रख लेगी जी? ये दूध दे देगी 13-14 लीटर जी। 13-14 लीटर दूध निकाल देगी। स्वभाव परख रहे हैं, स्वभाव आप भी व्यूअर्स यहाँ विजिट कर परख सकते हैं। बहुत ठंडी। ब्लैक कलर के हैं जी थन? हाँ, राठी नस्ल की है जी। काले थन है, राठी है ये। हाँ, अच्छा, यही वाली राठी है, बाकी सही वाले सारी? सही वाले जी। ठीक है भाई साहब, कीमत इसी की बताइए जी आपने। 42,000 रुपये जी। 42,000 रुपये। हाँ जी, ठीक है भाई साहब। जो ये बछड़ी वाली गाय है जी, इसकी और डिटेल दे दो। ये अभी दूसरी बार बच्चा देगी जी, ये वाली गाय। हाँ जी, दूसरी बार बच्चा देगी। हाँ, प्योर शाही वाला जी। ये प्योर शाही वाला है। बिल्कुल जी जी, जो देंगे बोल कर देंगे जी। अच्छा, ये राठी है तो राठी रहेगी, ये नहीं है वो राठी को शाहीवाल बना दूंगा। राठी को शाहीवाल। हाँ। बनाने से नहीं बनेगी जी। नहीं जी, जो क्योंकि जो बायर है वो पहचानते हैं, नस्लों की पहचान सभी। मान लो आपके साथ 2-4 साल से जुड़ रहा हूँ और आपके फार्म टॉप पर आज से जब से चैनल बनाया आपके बंदे देख रहे हैं जी, मेरे से ज्यादा उनको नॉलेज है तो देख रहा है सामने। हाँ, उनको ज्यादा नॉलेज है। मैं कुछ मर्जी बोल दूं, मेरे बोलने से नहीं होगा। आप राठी बोल दोगे तो उनको पता है ये राठी। हाँ, है राठी है। आप साहिवाल बोल दोगे उनको पता है साहिवाल है। हाँ। पर साहिवाल को आप राठी, राठी को साहिवाल बोलो ये नहीं चलेगा। वो मेरे से 100 गुना अच्छे समझदार है जी, आगे 100 गुना ज्यादा समझदार है। बिल्कुल। तो इसके साथ बछड़ी है जी, पिछले ब्यांत की है जी। पिछले ब्यांत की बछड़ी है। हाँ जी, ठीक है जी। और इस बार प्रेग्नेंट है ये? हाँ, प्रेग्नेंट है जी, अभी 10-15 दिन ले रही है। 10-15 दिन ले रही है। हाँ, ठंडी बहुत है जी। हाँ, स्वभाव ठंडा है। हाँ जी, स्वभाव ठंडा है। आप व्यूअर्स खुद परख सकते हैं और खुद यहाँ आकर भी देखें परखें जी। हाँ, ये कितने दिन ले जाएगी जी? वैसे दिन ले जी, 15 से 20 दिन। 15-20 दिन आराम से, 2 से 3 हफ्ते माने। हाँ, आराम से जी। ठीक है जी भाई साहब। और दूध कितने वाली है जी? ये दूध फर्स्ट भी आपने 14 लीटर दिया जी। हाँ हाँ जी। और इस बार
16 लीटर दूध निकाल देगी जी। 16 लीटर उम्मीद करोगे? हाँ, शुद्ध नस्ल शाहीवाल है जी। शुद्ध नस्ल शाहीवाल है? हाँ जी। तो शाहीवाल में परसेंटेज? शाहीवाल है अपना, लेकिन शाहीवाल में क्वालिटी कितनी होती है वो नहीं पता जी। 14 गुण होते हैं शाहीवाल गाय में। अच्छा। हाँ जी, एक भी नहीं। शाहीवाल में 14 गुण होते हैं? 14 गुण होते हैं, जिनको पता है वो देख लेंगे। वो देख लेंगे, वो सही तरीके से पहचान जाएंगे बोलने से नहीं होता। कितने गुण है इसमें? बिल्कुल जी, बोलने से इसमें नहीं, जो भी शाहीवाल गाय होगी प्योर, 14 गुण होंगे। हाँ, डॉक्टर से पास होगी जो 14 गुण होंगे उसमें। 14 करेक्टर्स होंगे जिनको मेजर करके गाय की नस्ल की पहचान की जाती है। बिल्कुल जी, 14 गुण होंगे। ठीक है जी, कीमत कितनी रहेगी जी इस गाय की? इसकी 1,05,000 रुपए कीमत है जी। तो ये बछड़ी इसके अंदर है या अलग से? बछड़ी अलग है जी। अच्छा, 1,15,000 रुपए की गाय? 5,000। 1,05,000 की गाय और 40,000 रुपए में बछड़ी? 40,000 में बछड़ी। ठीक है, वैसा बछड़ी भी देखेंगे। हाँ जी, दोनों कोई माँ बेटी साथ में लेगा तो 1,10,000 की दे देंगे। अच्छा, दोनों लेगा तो 1,10,000 में दे देंगे, मतलब 5,000 में बछड़ी दे देंगे? 5,000 में बछड़ी दे देंगे जी। बछड़ी तो 5,000 हुई जी, फिर 1,05 की गाय है तो बस कितने की मर्जी लगा लो जी। 5,000 में बछड़ी दे दोगे? दे देंगे जी, कोई साथ में लेगा तो। अच्छा, गाय अगर लेगा तो उसको बछड़ी 5,000 में दे देंगे? 5,000 में दे देंगे। ये वाली गाय कोई लेगा तो? हाँ जी। एड्रेस का बहुत प्यारा है, बस चेक कीजिए। चेक करके मैं दिखा रहा हूँ सभी कुछ, जो भी करेक्टर्स है वो आप चेक कीजिए। तीसरे नंबर पे गाय है वो भी देखेंगे, पहले बछड़ी देख लेते हैं भाई साहब की। हाँ जी, ये है जी बछड़ी आपकी? हाँ, ये बछड़ी है जी। तो गाय भी शाहीवाल है और बछड़ी भी शाहीवाल है जी? शाहीवाल ही है। हाँ जी, नस्ल शाहीवाल है बछड़ी की। हाँ जी, और ये भी ठंडे स्वभाव वाली है। झालर देखो अभी भी कितनी है। हाँ, गल कम्बल भारी है इसका भी, माँ के जैसा ही है जी लगभग। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है जी, अलग से कोई लेगा तो 40,000 लोगे? हाँ, अलग 40,000 रुपए। और अगर गाय कोई लेगा उसको प्रायोरिटी मिलेगी, उसको 5,000 रुपए मिल जाएगी। दोनों माँ बेटी दे देंगे, उसको 5,000 में दे दोगे? हाँ, या फिर गाय की कीमत कम समझ ले चाहे? कैसे मर्जी समझ लो जी। हाँ, ये समझ ले कि गाय अपने को 70,000 में मिल रही है। 55 की कर लो चाहे। कैसे भी, जैसे आपको आपकी सुविधा लगे। हाँ, उसी हिसाब से कर लो, जो कस्टमर को अच्छा लगे वैसे ही कर लेगा। ठीक है जी। चौथे नंबर पे गाय है जी सर, दो गाय और एक बछड़ी दिखा दी है जी। चौथे और पांचवे नंबर पे दो पहले ब्यात वाली गाय है। हाँ, खार की है जी। खार की है बछड़ी? दो दांत है जी दोनों ही, मुंह से दोनों ही दो दांत है। दो दांत है जी, और ठंडी बहुत है। स्वभाव की ठंडक आप खुद परख सकते हैं। अडर देखिए, अडर बहुत प्यारा बन रहा है, पहले ब्यात में है और स्वभाव भी अच्छा है। कंप्लीट डिटेल दे दो जी भाई साहब। ये पहली बार बच्चा देगी जी अभी? हाँ, दो दांत है, मुंह से दो दांत है। माँ का रिकॉर्ड रहा जी 18-19 लीटर का। अच्छा, तीसरे ब्यात में क्या? हाँ जी, ये फर्स्ट ब्यांत में 12 लीटर दूध दे देगी आराम से। ये कितने दिन और ले जाएगी अभी? एक हफ्ता ले लेगी जी, हफ्ता भर और ले जाएगी आराम से। अडर अच्छा तैयार हो गया है, साथ में चलाकर भी दिखा रहे हैं आपको। हाँ जी, बेहद खूबसूरत है गाय, अच्छे थन है, थन काफी खूबसूरत है, कीपनुमा थन है। कैसे मर्जी बैठे रहो। और स्वभाव देखिए, पैर पकड़ के भाई साहब सहला रहे हैं। और गाय देखिए, पहले ब्यांत के अंदर गुदगुदी फील नहीं कर रही है। नहीं जी, मतलब नहीं तो जी, पहले ब्यांत में तो यही खासियत होती है जी, शुद्ध नस्ल जो होती है, शुद्ध जो नस्ल होगी। हाँ, यही खासियत होती है। हाँ, इसीलिए ब्लड लाइन की गाय मानी जाती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, यही डिमांड करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। कीमत इसकी बता दो जी भाई साहब। कीमत इसकी है जी 75,000 रुपए। 75,000 रुपए? हाँ जी, 75,000 रुपीज जी। पहले ब्यांत की साहीवाल है। हाँ जी, और 75,000 रुपए कीमत डिमांड की है। कोई मोल भाव की गुंजाइश भी रखोगे जी इन गायों की कीमतों में? हाँ, करेंगे करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है भाई साहब, लास्ट गाय है जी, ये भी साहीवाल है। हाँ, ये नागर की बेटी है जी। ये नागर बुल की बेटी है जी, साहीवाल का फेमस बुल है जी। फेमस, बिल्कुल। अच्छा, उसी की बेटी है? उसी की बेटी है जी। देखो अडर इसका भी प्यारा है, ब्रिड करेक्टर्स देखिए, हर एक क्वालिटी है, किसी कोई प्रकार की कोई कमी ना। कंप्लीट ही डिटेल दे दो जी फिर। ठंडी तो क्या कहना जी। ये पहली बार ही बच्चा देगी जी, दो ही दांत अभी। ये भी मुंह से दो दांत है और पहला ब्यांत है। पहला ब्यांत है जी, मुंह से दो दांत और पहला ब्यांत। हाँ जी, स्वभाव आप परख सकते हैं, अडर पर हाथ फिरा रहे हैं। और भाई साहब पूंछ देखिए कैसी जबरदस्त तरीके से उठा ली है जी, रस्सी इसीलिए बंधी हुई जी पहले ब्यांत में। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, भारी झालर है और बिना सींग वाली गाय है। बिना सींग के दूध इससे कितना उम्मीद करोगे जी? फर्स्ट ब्यांत में 15-16 लीटर, 15-16 पहले ब्यांत में जी। क्यों, माँ का रिकॉर्ड 23-24 लीटर का है। 23-24 लीटर दूध वाली है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और दिन कितने बचे हुए जी? एक हफ्ता ले लेगी आराम से। एक हफ्ता और ले जाएगी अभी? आराम से ले लेगी जी। हाँ, तो अडर अभी खुला दिखाई दे रहा है, नरम दिखाई दे रहा है अभी तो टाइट होगा। हाँ जी, ब्याने के दिन जैसे नजदीक आएंगे, पहले ब्यांत में तो पूरा टाइट हो जाता है जी। हाँ, पूरा टाइट हो जाता है। कीमत क्या रखी है जी? कीमत 1,10,000 रुपए। 1,10,000 रुपए। हाँ जी, साहीवाल साहीवाल नस्ल की गायें दिखाई आज भाई साहब ने। बहुत बहुत धन्यवाद जी भाई साहब, शानदार गाय दिखाई है। उम्मीद करूंगा व्यूअर्स को भी ये सभी गाय पसंद आई होगी।
आपकी मेहनत इसी तरीके से रहेगी जी सर, तो उम्मीद करेंगे हर घर में देसी गोवंश पहुंच जाएगी। हाँ, हर एक घर में एक गाय होनी चाहिए, एक गाय होनी चाहिए, गाय नहीं तो बछड़ी जरूर पालो, बछड़ी तो जरूर से पाल लो ताकि वो गाय बन जाए भविष्य में, हिंदू का धर्म भी है। बहुत बहुत धन्यवाद जी भाई साहब, राम राम जी, राम राम जी।